नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के शेयरों में आज से ट्रेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही LIC ने लिस्टिंग पर निवेशकों को खासा निराश भी कर दिया। कंपनी का शेयर BSE पर 867 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 949 रुपये था। इस लिहाज से शेयर अपने इश्यू प्राइस से 82 रुपये बढ़ने के बाद घटकर बाजार में लिस्ट हुआ। इससे लिस्टिंग पर निवेशकों को 9% का घाटा भी झेलना पड़ा। हालांकि पॉलिसी होल्डर्स को ये शेयर 60 रुपये और कर्मचारियों को 45 रुपये के डिस्काउंट पर मिले थे, यानी कि उनका लिस्टिंग पर नुकसान कम हुआ। लेकिन फिलहाल निवेशकों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि बाजार में लिस्ट हो जाने के बाद से LIC के शेयर में किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, शेयर बेच दें या फिर इसमें लंबी अवधि तक बने रहें। इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में ज़रूर देंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि निवेशकों का रिस्पॉन्स इसे लेकर कैसा रहा था। अगर बात सब्सक्रिप्शन की करें तो LIC के IPO को निवेशकों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। ये इशू 2.95 गुना यानी करीब 295% भरा था। कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व हिस्से को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कर्मचारियों के लिए रिजर्व कोटा करीब 4.40 गुना भरा हुआ था, जबकि पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व कोटे को 6.11 गुना बोलियां मिली थी। QIB का हिस्सा 2.83 गुना, NII का हिस्सा 2.91 गुना और रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व कोटा 1.99 गुना भरा हुआ था। लेकिन अब सवाल आता है कि शेयर को लेकर क्या करना चाहिए। इस बारे में स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के रिसर्च हेड संतोष मीना कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग कमजोर रही है। मौजूदा बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट हावी है, जिससे कि LIC की लिस्टिंग पर असर हुआ है। हालांकि भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए संभावनाएं अच्छी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी में अभी भी बीमा की पहुँच नहीं है। इसलिए सेक्टर में आने वाली ग्रोथ का फायदा LIC को लीडिंग कंपनी होने के चलते मिल जाएगा। इसलिए निवेशकों को नेगेटिव लिस्टिंग को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए और लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहना चाहिए। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन किया था वो 800 रुपए पर स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं। IIFL के VP रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि LIC लंबी अवधि का खिलाड़ी है। रिटेल निवेशकों की अगर बात करें तो पॉलिसी होल्डर्स को शेयर 60 रुपए के डिस्काउंट पर मिला है, ऐसे में उनका ज्यादा नुकसान नहीं है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे शेयर में पार्टिसिपेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा, शेयर के भाव में आगे और तेजी आएगी। इसलिए शेयर डिस्काउंट पर लिस्ट होना उन निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है जिन्हें IPO में शेयर नहीं मिले हैं। वहीं जिनके पास पहले से शेयर हैं वो इसके साथ बने रहें। अब बात अगर LIC की करें तो ये देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। प्रीमियम या फिर GWP के टर्म में कंपनी का मार्केट शेयर 61.6% है। वहीं 31 दिसंबर 2021 तक इशू हो चुकी इंडिविजुअल पॉलिसी के मामले में मार्केट शेयर करीब 71.8% है। LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.1 लाख करोड़ का है, जो कि सबसे ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का एनुअल प्रीमियम 4 लाख करोड़ रहा है। कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सेविंग्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप, एन्यूटी और पेंशन प्रोडक्ट्स भी हैं। सेमको सिक्योरिटीज की इक्विटी रिसर्च हेड येशा शाह के मुताबिक सभी फैक्टर्स को ध्यान में अगर रखें तो LIC का आउटलुक बेहतर है। ये पियर्स की तुलना में डिस्काउंट पर है। आकर्षक वैल्यूएशन को देखते हुए यहाँ से गिरावट बहुत सीमित नजर आ रही है। उनका मानना है कि भारत जैसे देश में अभी इंश्योरेंस की पहुंच चूंकि बहुत कम है, जिससे कि सेक्टर में ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं। LIC की बात करें तो ये GWP और NBP के टर्म में मार्केट लीडर है। इससे सेक्टर में आने वाली ग्रोथ का सबसे ज़्यादा फायदा इस कंपनी को ही मिलेगा। वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो पियर्स की तुलना में ये आकर्षक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूएशन इस समय सबसे महंगा है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है और आगे आउटलुक भी मजबूत है। LIC 65 साल से ज़्यादा समय से भारत में जीवन बीमा प्रोवाइड कर रहा है। प्रीमियम के मामले में इसका मार्केट शेयर 61.6% है।
तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इससे LIC के शेयरों में निवेश करने की नॉलेज जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।